फ्रेंड्स वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। सीजी पटवारी आरआई हॉस्टल वार्डन के फ्री कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम कंप्यूटर का पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 4 तक डिस्कस कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर सीजी पटवारी और कंप्यूटर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रिंटर एंड इट्स टाइप, यानी कि प्रिंटर और उसके प्रकार। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले, ये हमारे द्वारा लॉन्च की गई टेस्ट सीरीज़ है जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाली है, जिसमें 3 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 2 सेक्शनल टेस्ट हैं। अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा देने के लिए हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम प्रैक्टिस करें और हमको पता चले कि हमारी गलतियाँ कहाँ हैं और हमारा वीक पॉइंट क्या है और हम उस पर वर्क करें। तो यदि आप अपनी प्रिपरेशन को सही दिशा देना चाहते हैं, स्ट्रेटजाइज प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो श्योरली आप ये टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट टेस्ट 15 मार्च को है, तो यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो है प्रिंटर। तो प्रिंटर एज अ टॉपिक डिस्कस करने से पहले हमको ये पता रहना चाहिए कि प्रिंटर है क्या। तो प्रिंटर, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ये एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन वो किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस यदि पूछता है, क्योंकि डिटेल्स में आजकल सीजी व्यापम इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है कि थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चंस फ्रेम हो किए जा रहे हैं, जो कि जिसका आसानी से आंसर निकाल पाना संभव नहीं है। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा डेप्थ में भी पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। हम केवल ऊपर ऊपर का पढ़ लिए तो, और केवल एमसीक्यू लगा रहे हैं और थ्योरी हम नहीं जान रहे, तो वैसे पेपर क्लियर अब नहीं होने वाला है ना। हमको पढ़ना भी ज़रूरी है। तो पढ़ते हैं कि प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, जिसको हम बोलते हैं हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस। अब यदि हार्डवेयर लिख दे तो क्या अलग मीनिंग निकल जाता है क्या? नहीं, हार्डवेयर मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, हम उसको छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर मतलब हम उसको छू नहीं सकते हैं। तो यदि एग्ज़ाम में लिखा हुआ है हार्डवेयर है, हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है, तो इट मीन्स कि वो आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है। और इसको किस नाम से जानते हैं? और इसको हम हार्ड कॉपी डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। ये दो चीज़, इस पेज से केवल आपको दो चीज़ याद रखना है, वो ये याद रखना है कि प्रिंटर को हम हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, विच इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ड कॉपी डिवाइस, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। हम जैसे कि आप फिज़िक्स में पढ़े हैं, फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं कि किसी भी चीज़ को नापने का SI यूनिट होता है, ठीक है। जैसे कि वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, करंट हो गया, वोल्टेज के लिए हो गया, सबके लिए अलग अलग अपनी SI यूनिट्स होती हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम नाप सकते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रिंटर की स्पीड को हम किस तरह से नाप सकते हैं, तो वो हम नाप सकते हैं PPM और DPI। ये PPM क्या होता है? तो PPM होता है पेज पर मिनट। क्या होता है? पेज पर मिनट, यानी कि एक मिनट में वो कितना पेज प्रिंट कर रहा है, सिंपल इसका मीनिंग ये है। फिर होता है डॉट्स पर इंच, यानी कि DPI, कितना डॉट प्रिंट कर पाया है वो पर इंच में, ठीक है। तो ये दो प्रकार से हम नापते हैं। फिर आगे जब हम देखेंगे तो उनका फिर अलग अलग, यानी कि जब हम टाइप्स देखेंगे तो उनको किस तरह से डील करना है उसको हम समझेंगे, ठीक है। फिर आता है प्रिंटर, जो मेन टॉपिक है हमारा, प्रिंटर एंड इट्स टाइप। तो इसके प्रकार कितने होते हैं? तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं मेजरली, जिसको हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो ये इम्पैक्ट प्रिंटर होता है वो अगेन दो प्रकार, टू टाइप्स में डिवाइड होता है, जो होता है पहला कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा होता है लाइन प्रिंटर। जो ये कैरेक्टर प्रिंटर होता है अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पहला है डेजी व्हील और दूसरा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। जो ये लाइन प्रिंटर है वो ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर में डिवाइड होता है। फिर उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाते हैं। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर 3 टाइप्स के होते हैं, जो है लेज़र प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर और है थर्मल प्रिंटर। इसमें कुछ ट्रिक बताने जैसा नहीं है, ये आपको याद ही करना है।
तो आप लोगों को एज इट इज़ इसको इसी तरह से आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट मतलब नाम से पता चल रहा है, जो कि असरदार हो, असर हम बोलते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल पर्सन है, मतलब असरदार व्यक्ति है। तो नाम से पता चल रहा है असरदार, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर, असर देना। असर वो किस तरह से देगा, प्रिंट करके देगा, क्योंकि प्रिंटर है तो प्रिंट ही करेगा डॉक्यूमेंट्स को। तो ये क्या करता है, इस प्रिंटर में क्या होता है कि हैमर या की रहता है, क्या होता है, हैमर या की होता है। उसकी मदद से क्या होता है कि जो इंक रिबन होती है वो उसको प्रेस करता है और वी कैन से हिट करता है। जब वो हिट करा हैमर, यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, इजी वे में, बोलचाल की भाषा में आप समझ सकते हो, हथौड़ा मारा, जो भी इंक थी वो क्या हुई, वो प्रेस हुई और पेपर में प्रिंट होके आ गया डॉक्यूमेंट्स हमारा। बस सिंपल यही लिखा हुआ है, लेकिन वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में है थोड़ा, इसीलिए आपको समझने में हो सकता है किसी को दिक्कत हो रही हो, लेकिन मैं सिंपली आपको समझा देती हूँ कि जो हैमर या की मदद से क्या होता है, इंक रिबन पर हिट करता है, उससे क्या होता है, प्रिंट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। फिर आता है, जैसा कि हमने देखा, इसकी टाइप्स। तो इसके इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स देख लेते हैं, जो कि है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, यानी कि कैरेक्टर और लाइन प्रिंटर होता है, ठीक है। जो लाइन प्रिंटर और कैरेक्टर प्रिंटर होता है, हमको कैरेक्टर प्रिंटर में ये है कैरेक्टर प्रिंटर और ये है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर के दो प्रकार होते हैं, उसको अलग से डील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसको लाइन प्रिंटर में ही हम समझ लेंगे कि उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, ठीक। तो मेजरली अभी हमको क्या देखना है, थ्री टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, जो है डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर। फर्स्ट देखते हैं हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सबसे पहले 1957 को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। कब, 1957 में, किसके द्वारा, IBM के द्वारा, IBM कंपनी के द्वारा, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ गवर्नमेंट ऑफिस, बैंक और रेलवे में होता है। कहाँ कहाँ, गवर्नमेंट ऑफिस, बैंक, रेलवे पर किया जाता है। ये किस तरह से काम करता है, नाम से पता चल रहा है डॉट, यानी कि जो ये पेपर में प्रिंट करके देगा वो क्या रहेगा, वो डॉट के जैसे, डॉट जैसा बना हुआ रहता है, यानी कि डॉट के आकार में पेपर में हमको प्रिंट मिलता है, ठीक है। यानी कि जो भी ये प्रिंट किया तो वो किस फॉर्म में है, डॉट फॉर्म में है। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि यूज़ कहाँ होता है, गवर्नमेंट ऑफिस, बैंक और रेलवे। यदि आपने देखा होगा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे कि किस तरह की प्रिंट जो आती है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट होके आई है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे है हमारा, इसकी वर्किंग देख लेते हैं, क्योंकि यदि डिफ्रेंशिएट में पूछता है ना, यानी कि हमको अभी आपने CG फूड इंस्पेक्टर का पेपर दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि हमको क्वेश्चन देता है साथ में, जो अलग अलग उसमें पॉइंट्स, ऑब्जेक्टिव्स टाइप्स में क्या होता है, जो पॉइंट्स रहते हैं वो उसके, उसकी विशेषताएं दी रहती हैं, ठीक है, यानी कि उसके फीचर्स दिए रहते हैं कि उसमें होता क्या है। इसीलिए थोड़ा तो डेप्थ नॉलेज होने की ज़रूरत है, डेप्थ मतलब बहुत ही ज़्यादा नहीं कि अब उसमें आप PhD करने लग जाओ, लेकिन थोड़ा बहुत तो पता होना ज़रूरी है। तो देख लेते हैं हम कि ये वर्क कैसे करता है। तो जैसा कि हमने इम्पैक्ट में देखा कि क्या होता है, हैमर या की होता है, वो क्या करती है, इंक रिबन को प्रेस करती है और प्रिंट होकर के हमको डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं पेपर पर, ठीक है, यही फंक्शनिंग है। सिमिलरली यही फंक्शनिंग डॉट मैट्रिक्स के, क्योंकि डॉट मैट्रिक्स किसका प्रकार है, इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार है, तो क्या वो अलग से फंक्शन करेगा, नहीं। तो इसमें क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स में जो रिबन पर ये स्ट्राइक करते हैं, रिबन पर जो है, जो हेड्स होते हैं, सबसे पहले जो हमको समझना है कि इस प्रिंटर में क्या होता है, प्रिंटिंग हेड होता है, प्रिंटिंग हेड होता है, ठीक। उसमें क्या रहता है, उसमें निडल्स रहती हैं या पिंस रहते हैं, किसमें, प्रिंटिंग हेड में निडल्स या पिन रहती हैं। वो क्या करती हैं, वो स्ट्राइक करती हैं, किस पर, इंक रिबन पर स्ट्राइक करती हैं। मैं ये एरो क्यों करके दिखा रही हूँ, जिससे आपको समझ में आए कि किस तरह से ये हो रहा है, इसकी फंक्शनिंग कैसे है, ठीक है। फिर उसके बाद जब जैसे ये स्ट्राइक या हिट की, तो पेपर में प्रिंट होकर के आ गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
फिर उसके बाद देखते हैं इसकी स्पीड क्या है। तो इसकी स्पीड है 50 to 500 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। कैरेक्टर्स पर सेकेंड क्यों हुई? अभी तो आपने बताया कि DPI होता है और PPM होता है, ये कैरेक्टर्स पर सेकेंड कहाँ से आ गया? एक नया इसको मापने का एक यूनिट कैसे आ गया? तो ये किसका प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स किसके अंदर में आया है? कैरेक्टर प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर मतलब कैरेक्टर को प्रिंट किया, तो उसको नापेंगे कैसे हम? कैरेक्टर्स पर सेकेंड में। ठीक है, कितना है? 50 to 500 कैरेक्टर्स पर सेकेंड, यानी कि 50 से लेकर के 500 कैरेक्टर ये पर सेकेंड प्रिंट कर सकता है, इसकी टेंडेंसी इतनी है। आगे देखते हैं डेजी व्हील प्रिंटर। तो डेजी व्हील प्रिंटर कब और किसके द्वारा इसका आविष्कार हुआ है, ठीक है, इन्वेंट कब हुआ है? तो ये 1970 में डॉक्टर एंड्रयू गेबर के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर एंड्रयू गेबर। ठीक, इसमें क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील प्रिंटर में केवल एक अंतर होता है, और वो अंतर ये होता है कि डेजी व्हील प्रिंटर की हेड में एक हैमर रहती है और उस हैमर में कैरेक्टर की शेप होती है। ठीक है, क्या बोला गया है कि अंतर क्या है इसमें, इसकी हेड में, इसमें देखिए हमने क्या देखा, इसमें अभी हमने ये डॉट मैट्रिक्स में जब मैंने आपको डॉट मैट्रिक्स अभी बताया, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया है कि इसमें क्या होता है, प्रिंटिंग हेड होती हैं जो कि हैमर की तरह होती हैं, और हैमर क्या करता है, इंक रिबन को प्रेस करता है। तो ये क्या करता है, जो प्रिंटिंग हेड के अंदर निडल बनी रहती है उसको प्रेस करता है, और इंक उसके द्वारा इंक रिबन प्रेस होता है और पेपर में प्रिंट हो जाता है। लेकिन जो डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स का अंतर ही केवल इतना है कि इसमें जो है, जो हैमर होता है हेड में एक हैमर रहता है और उस हैमर में कैरेक्टर की शेप होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, समझ में आएगा, ये ऐसा मत सोचो कि समझ में नहीं आएगा, अभी तो समझ में नहीं आया, डेफिनेटली आएगा, टेंशन मत लो, है ना, ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में हो, टेंशन आपको बिल्कुल लेना ही नहीं है, बस मज़े से पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, इस प्रिंटर की हेड में सिर्फ एक कैरेक्टर की हैमर शेप नहीं रहता, इसमें क्या होता है, मल्टीपल कैरेक्टर की हैमर शेप रहती है। अब समझते हैं इसको किस तरह से ये दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब फिर से अगेन हम उसी में जाते हैं, हैमर होता है। ठीक है, हैमर क्या करता है, इंक रिबन को प्रेस करता है। जब वो उसको प्रेस किया, या फिर हम बोल सकते हैं हिट किया, तो क्या होता है, पेपर पर प्रिंट हो जाता है हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स हमको प्रिंट करना है वो। इसमें बोला जा रहा है ये जो हैमर है वही हेड होता है, ठीक है, ये समझ लो, ये जो हैमर है वही प्रिंटिंग हेड है, ठीक, और ये जो प्रिंटिंग हेड है इसमें डॉट मैट्रिक्स में निडिल रहती है, निडिल या पिन रहती है डॉट मैट्रिक्स में, और वो निडिल और पिन जो है वो इंक रिबन को प्रेस की और पेपर में डॉक्यूमेंट्स प्रिंट होके आ गए। लेकिन ये जो डेजी व्हील है उसमें ये जो हैमर होता है वो क्या होता है, उसमें कैरेक्टर्स बने रहते हैं, इस हैमर में ही निडिल या पिन नहीं होता। देखो निडिल पिन हुआ तो वो डॉट 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 करके आया, अब इसमें कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अब ये तो डॉट डॉट में हमको नहीं चाहिए ना, और ये कैरेक्टर्स क्या होती है, मान के चलो एक गुच्छा, जैसे कि आप व्हील देखते हो ना, स्पोक्स रहते हैं, ठीक है, व्हील को देखते हो स्पोक्स रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक हैमर में बहुत सारे कैरेक्टर रहते हैं, और वो कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इस तरह से चक्की के आकार के गोले गोल 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 रहते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स रहते हैं, ठीक, और वो मल्टीपल कैरेक्टर्स से क्या होता है, प्रिंट होकर के आ जाता है, वही यही लिखा हुआ है कि मल्टीपल कैरेक्टर हैमर शेप में रहते हैं जो कि एक व्हील की तरह दिखते हैं, पहिए की तरह दिखते हैं, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है डेजी व्हील प्रिंटर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो आप रिपीटेड मोड में सुनना इसको, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम किसमें, इसकी स्पीड को हम कैसे नाप सकते हैं, तो इसकी स्पीड है 10 to 75 कैरेक्टर्स पर सेकेंड, और यही डॉट मैट्रिक्स की कितनी थी, 50 to 500, ठीक है, और इसकी कितनी है, 10 to 75।
अब इसका यूज़ कहाँ होता है, तो इसका यूज़ हम अक्सर कोर्ट्स में होता है, अदालतों में होता है। कहाँ होता है? कोर्ट्स में होता है, अदालतों में होता है इसका यूज़। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा? लाइन प्रिंटर। तो लाइन प्रिंटर क्या है? तो लाइन प्रिंटर है जो ये इम्पैक्ट प्रिंटर है उसका फास्टेस्ट प्रिंटर यदि कोई सा है तो वो है लाइन प्रिंटर। फास्टेस्ट प्रिंटर कौन सा है? लाइन प्रिंटर। इसमें क्या होता है, प्रिंटर एक एक कैरेक्टर को प्रिंट नहीं करते हैं। नाम से पता चल रहा है ना, वो कैरेक्टर था तो कैरेक्टर को प्रिंट किया, इसीलिए तो उसकी स्पीड कितनी थी, कैरेक्टर्स पर सेकेंड। अब लेकिन नाम से पता चल रहा है कि ये लाइन प्रिंटर है, तो ये क्या करता है, या ये जो है एक एक कैरेक्टर को प्रिंट नहीं करता बल्कि एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट कर देता है। क्या करता है? एक बार में ही पूरी एक लाइन को प्रिंट कर दिया। ठीक, इसीलिए इसका नाम ये पड़ा। अब इसको हम नाप कैसे सकते हैं? इसको हम लाइंस पर मिनट, मिनट है सेकेंड नहीं है, ठीक है, याद रखना है। उसमें क्या था? सेकेंड था, इसमें क्या है? मिनट है। इतना डिफरेंस, इतनी बारीकी से एग्ज़ाम में पूछता है। केवल यही जो मैं आपको हाईलाइट करके बता रही हूँ ना, यही एग्ज़ाम रेलेवेंट पॉइंट्स हैं। ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं और कहीं अलग से क्वेश्चन नहीं आते, इसी तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। एक एक पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या है? लाइन पर मिनट। इसकी स्पीड कितनी होती है? तो इसकी स्पीड होती है 3000 लाइंस पर मिनट, यानी कि एक मिनट में ये कितनी लाइन को प्रिंट कर पाया है? 3000 लाइन को। एक मिनट में कितना? 3000 लाइन पर मिनट में ये जो है प्रिंट कर पाता है। ठीक है, इस प्रिंटर का यूज़ किस तरह से और कहाँ होता है? तो इस प्रिंटर का यूज़ होता है जैसे कि बैंक की स्टेटमेंट्स निकालने के लिए, बड़ी बड़ी कंपनी में जो प्रोडक्ट शिपमेंट्स होते हैं ना, तो उसके लिए यूज़ होता है। साथ में जैसे कि इनवॉइसेस, आप सभी जानते होंगे जैसे इनवॉइसेस के लिए होते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यदि आप कुछ चीज़ समझो या नहीं समझो तो एक चीज़ को समझना, जो ये आपकी बुक प्रिंट होती है वो लाइन प्रिंटर से प्रिंट होती है। यहाँ से आप, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है हमारा नॉन इम्पैक्ट। ये तो हो गया हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। अब हम आ जाते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इस टाइप के प्रिंटर्स क्या करते हैं? ये कोई हिट या प्रोड्यूस हिट नहीं करते। यानी कि अभी तक हमने क्या देखा कि हैमर हुआ, हिट किया और पेपर में प्रिंट होके आ गया, इंक रिबन को हिट किया। लेकिन नॉन इम्पैक्ट, असर ना करना, जिसको हम ईजी वे में समझ सकते हैं, ठीक है, नॉन इम्पैक्ट है, ये कोई हिट या हैमर नहीं करते। तो फिर ये कैसे प्रिंट कर पाते हैं? इनको प्रिंट करने के लिए क्या होता है? कार्टिज या टोनर का यूज़ होता है। कार्टिज जो होते हैं या फिर टोनर का यूज़ होता है। अक्सर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ठीक है, ये अपनी एक सामान्य जानकारी के लिए आप लोग जान करके रखो कि जो भी प्रिंटर्स यूज़ होते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो प्रिंटर यूज़ होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही यूज़ होते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, इसके प्रकार क्या क्या है? तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था इंक जेट, लेज़र, थर्मल। साथ में एक और प्रिंटर को हम पढ़ने वाले हैं, पोर्टेबल प्रिंटर। क्या प्रिंटर? पोर्टेबल प्रिंटर। आगे देखेंगे, सब समझ में आएगा आपको। ठीक है, फर्स्ट है तो टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या क्या है? इंक जेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर और पोर्टेबल प्रिंटर। एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है इंक जेट प्रिंटर। तो इंक जेट प्रिंटर कब आया? तो ये 1970 को आया। लेकिन इसका आविष्कार किसने किया है? तो इसका आविष्कार बहुत सारी कंपनी एक साथ मिलकर के की है। ठीक है, बहुत सारी कंपनी एक साथ मिलकर के की हैं। और वो कौन कौन सी कंपनी थी? कैनन, एप्सन और ह्यूलट पैकर्ड, एचपी। एचपी का मतलब कि हमारे पास एचपी का कंप्यूटर ये सब रहता है ना, तो वही है। ठीक है, एचपी, ह्यूलट पैकर्ड, कैनन और एप्सन, ये तीन कंपनी एक साथ मिलकर के इंक जेट प्रिंटर को बनाई हैं। ठीक, यदि एग्ज़ाम में आता है तो ये आपको याद रखना है। फिर होता है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? तो इसका यूज़ होता है होम्स में, घरों में, छोटे कंपनियों में, साइबर कैफे में, स्मॉल शॉप्स में। ठीक है, फिर उसके बाद इसकी वर्किंग देख लेते हैं। इस प्रिंटर से आप कलर, ब्लैक एंड वाइट दोनों प्रकार की जो प्रिंट निकलवा सकते हैं। फिर आता है इस प्रिंट, यह प्रिंटर एक मिनट में 5 से 18 पेज को प्रिंट कर सकता है। कितना प्रिंट कर सकता है?
पेज में आ जाओ। अब पेज डायरेक्टली अब प्रिंट हो रहा है, अभी तक कैरेक्टर हुआ फिर लाइन हुआ, ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली पेज को प्रिंट कर रहा है, जो कि कितने पेज हैं पर मिनट, पर मिनट कितने हैं 5 to 18 पेज पर मिनट। आया ppm, है ना, हमने यही दिखा था ना ppm, तो आ गया यहाँ पे पेज पर मिनट 5 to 18। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब ये काम कैसे करता है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि ये कोई हैमर यानी कि हिट तो नहीं करता, तो ये काम कैसे करता है उसको हम समझते हैं। ये प्रिंटर कैसे चलता है, इसमें लिक्विड इंक्स को यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम, लिक्विड इंक्स को यूज़ करके डॉक्यूमेंट्स को हम अपने प्रिंट करवाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसा कि हमने पढ़ा कार्टेज और टोनर का यूज़ होता है, कार्टेज या फिर टोनर का यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम। इस प्रिंटर में के अंदर क्या होता है, कार्टेज रहता है, और उस कार्टेज में क्या होता है, कार्टेज में 4 कलर्स होते हैं, और वो कौन कौन से कलर होते हैं, कैन, ठीक है, मैगेंटा, क्या मैगेंटा, इसको ऐसे याद करना, इसको आप बदलने की कोशिश मत करना कि और कोई कलर ले लो आप इसमें, है ना, येलो और ब्लैक। एग्जाम में एज इट इज़ ये पूछता है कि डिफरेंट कौन कौन से कलर हैं जो कि इंक जेट प्रिंटर में यूज़ होते हैं, तो आपको याद रखना है ये 4 कलर, कैन, मैगेंटा, येलो और ब्लैक, CMYB, क्या CMYB, इस तरह से आप याद कर सकते हैं CMYB, कैन, मैगेंटा, येलो, ब्लैक, क्यान, मैगेंटा, येलो, ब्लैक। ये 4 प्रकार के कलर कार्टिज के अंदर में रहते हैं, किसमें, इंक जेट प्रिंटर में। ठीक, आगे देखते हैं हम, आगे क्या है हमारा, ये कार्टिज, ये क्या होते हैं, ये कार्टिज का कनेक्शन कहाँ होता है, इसको थोड़ी फंक्शनिंग देख लेते हैं हम। उस कार्टिज का कनेक्शन प्रिंटिंग हेड में होता है, जब प्रिंट होता है तो ये क्या होता है, उस कार्टिज से इंक जा कर के हेड पर जमा हो जाती है। ये कहाँ जमा हो जाती है, कार्टिज से कहाँ पे, हेड में जमा हो गई। उस प्रिंटिंग हेड में एक रजिस्टर रहती है, उस रजिस्टर से लिक्विड इंक्स को प्रेशराइज करके नोजल से पेपर पर ड्रॉप करती है, और तभी जाकर पेपर पर प्रिंट होता है। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं, ठीक है, इसको कैसे समझ सकते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, 4 कलर्स रहते हैं, क्यान, मैगेंटा, येलो, ब्लैक, CMYB, ये 4 कलर होते हैं इसमें इंक जेट प्रिंटर में। इसमें क्या लिखा है कि जो कार्टिज होते हैं जिसमें 4 डिफरेंट कलर्स होते हैं, ये प्रिंटिंग हेड से कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होता है, प्रिंटिंग हेड से कनेक्ट होता है। जब हमको प्रिंट करना होता है तो ये जो कार्टिज है, कार्टिज से इंक जाकर के हेड पर जमा हो जाती है, यहाँ पे जमा हो गई, ठीक, जाकर के जमा हो गई। फिर क्या हुआ, हेड में एक रजिस्टर रहता है, और उस रजिस्टर में लिक्विड इंक्स को प्रेशराइज करके, यहाँ पे क्या होता है, एक रजिस्टर बना रहता है, एक यहाँ पर रजिस्टर बना रहता है, और जब वो प्रेशराइज किया जाता है तो ड्रॉप ड्रॉप करके गिरा, यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा, आगे बढ़ा, प्रिंट होकर के निकला, ठीक है, एक फिर से एक ड्रॉप गिरा, यहाँ पे आगे बढ़ा, प्रिंट होकर के निकला। इस तरह से इसकी फंक्शनिंग है, इस तरह से ये काम करते हैं, प्रेशराइज करके नोजल, ये नोजल बनी हुई है ना, ड्रॉप ड्रॉप करके, ये ड्रॉप गिरने के लिए है, ठीक है। तो ये आप सिंपली आप अपनी जानकारी के लिए भी समझ सकते हैं, और यदि एग्ज़ाम में पूछेगा तो ये आपको, आपने पढ़ा है तो आप रिकॉल करने में ये मदद मिल सकती है आपको, ठीक है। आगे आ जाते हैं लेज़र प्रिंटर। तो लेज़र प्रिंटर जो है इंक जेट की तरह भी ये बहुत फेमस है, क्योंकि अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हम देख रहे हैं, और मैंने बताया सबसे ज़्यादा जो यूज़ होते हैं, तो क्या यूज़ होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। कब और किसके द्वारा आया, तो ये 1971 में आया। किसके द्वारा आया, तो गेरी स्टार्क वेदर, किसके द्वारा, गेरी स्टार्क वेदर के द्वारा ये लॉन्च किया गया, इन्वेंट किया गया है 1971 में, ठीक है। इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में प्रिंट करने की ज़रूरत जहाँ पर होती है तब इसका हम यूज़ करते हैं। क्या नाम है इसका, लेज़र प्रिंटर, यानी कि लार्ज अमाउंट कहाँ पे यूज़ होता है, जैसे कि कॉरपोरेट सेक्टर हो गया, स्कूल कंपनीज, ठीक है, स्कूल में बहुत सारे, अब आपके क्वेश्चन पेपर जैसे बनाए जाते हैं, तो ये सब हो गया, स्कूल्स में, कॉरपोरेट सेक्टर में, कंपनी में ये लेज़र प्रिंटर का यूज़ होता है, इस तरह से ये दिखता है। फिर आ जाते हैं हम
इंकजेट में, यानी कि इसमें अंतर क्या होता है किसमें, लेज़र में और इंकजेट प्रिंटर में। तो उसके डिफरेंस को हम समझते हैं कि इंकजेट प्रिंटर में हमने क्या देखा, लिक्विड इंक्स कार्टिज के अंदर रहता है, लिक्विड इंक कार्टिज के अंदर रहता है, लेकिन लेज़र प्रिंटर में इंक जो रहता है वो टोनर के अंदर में रहता है। देखो इतना छोटा सा डिफरेंस है और यही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। कैसे पूछा जाता है कि जो लेज़र प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर का डिफरेंस क्या है। अब इसको घुमा के दे देगा कि लेज़र में दे देगा लिक्विड इंक किसके अंदर में, टोनर के अंदर में, ठीक है। और मतलब कि आप समझ रहे हो, इसको चेंज करके देगा, इंटरचेंज करके दे दिया, लेकिन आपको याद रहना चाहिए जो लिक्विड इंक होती है इंक जेट में कार्टिज के अंदर होती है, और लेज़र में जो इंक होती है वो टोनर के अंदर में होती है। इसीलिए स्टार्टिंग में ही हमने देखा कि जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है उसमें कोई हिट नहीं होता, बल्कि कार्टिज और टोनर होते हैं। क्या होते हैं, कार्टिज या फिर टोनर होते हैं, ठीक। आगे देखते हैं इसको, जो ये इंक ड्राई, ये क्या होता है इस प्रिंटर में, जो ये इंक होती है वो ड्राई इंक होती है। अब उसमें, इसमें क्या होता है, लिक्विड इंक होती है, लेकिन इसमें क्या होती है, ड्राई इंक, सूखी हुई इंक होती, पाउडर फॉर्म में आई होप आपको पता होगा, है ना, प्रेजेंट होती है। तो उस, ये क्या करते हैं हम, इसको लेज़र लाइट या बीम की मदद से, वो जो ड्राई इंक है उसको हम पिघलाते हैं, ये पिघलाया नहीं, पिघलाया जाता है, पिघलाते हैं, ठीक है, और पेपर पर फिर प्रिंट होता है। एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, यानी कि जो ये लेज़र प्रिंटर होता है उसमें क्या होता है, ड्राई इंक्स रहती हैं, किसके अंदर में रहती है, ड्राई इंक, ड्राई इंक टोनर के अंदर में रहती है, और लेज़र लाइट या बीम की मदद से इस ड्राई इंक को पिघलाते हैं, फिर जा करके हमको पेपर पे हम अपना डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवा सकते हैं। इसकी स्पीड देख लेते हैं, तो इसकी स्पीड है 9 to 25 पेज पर मिनट, कितना, 9 to 25 पेज पर मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं लेज़र प्रिंटर की प्रिंटिंग कॉस्ट कम होती है इंक जेट प्रिंटर के मुकाबले, यानी कि जो प्रिंटिंग हम करवाते हैं लेज़र प्रिंटर से तो उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट कम पड़ती है, ऐसा इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। इस प्रिंटर का लेकिन प्राइस ज़्यादा होता है, यानी कि एक्सपेंसिव होता है। ये प्रिंटर ही खरीदने जाओगे तो वो महंगा है, लेकिन जब वो प्रिंट, इस प्रिंटर से कुछ चीज़ प्रिंट करते हैं तो उसकी कॉस्ट सस्ती है। सिंपली आप समझ सकते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक्सपेंसिव है या नॉन एक्सपेंसिव है। तो एक चीज़ बस याद रखना, जो लेज़र प्रिंटर है वो एक्सपेंसिव प्रिंटर है, महंगा होता है, ठीक है। आगे देखते हैं थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर का क्या है, जैसा कि हम डिजिटल इंडिया की जब हम बात करते हैं तो थर्मल प्रिंटर का रोल जो है बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि जहां हम, यदि रेस्टोरेंट्स हो गया, रिटेलर शॉप हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, तो इस तरह की हमको बिल्स मिलती है, है ना, मिलती है, तो वो यानी कि किससे प्रिंट होकर के आई है, थर्मल प्रिंटर से प्रिंट होकर के आई है, ठीक है। साथ में जैसे कि एटीएम हो गया, एटीएम मशीन, बस, सिनेमा टिकट, ये सब भी इसी तरह की हमको बिल जो मिलती है, यानी कि आपको समझ जाना है, अब तो आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो कि जो भी उस तरह की बिल मिली, यानी कि वो थर्मल प्रिंटर से प्रिंट होकर के आई है, ठीक है, बस इतना आपको समझना है। साथ में जैसे कि बार कोड, पेमेंट रिसिप्ट, शिपिंग, ये सब जो है सभी थर्मल प्रिंटर के प्रकार होते हैं, थर्मल प्रिंटर से ये प्रिंट होकर के आते हैं। काम कैसे करता है इसको समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस प्रिंटर में कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इंक रिबन प्रिंट करने के लिए इंक रिबन, टोनर या कार्टिज का उपयोग नहीं किया जाता। ध्यान दो, इंक रिबन, कार्टिज या टोनर का उपयोग नहीं किया जाता, तो फिर कैसे प्रिंट करते हैं। तो प्रिंटर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए ट्रीटेड पेपर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, जैसे कि आप बिल देख रहे हो ना, तो उसको हम क्या समझ सकते हैं, वो ट्रीटेड पेपर है, और वो ट्रीटेड पेपर में क्या होता है, एक खास केमिकल की कोटिंग होती है। क्या होता है, एक स्पेशल जो है, एक खास केमिकल की उस पर कोटिंग होती है। अब आपको याद रखना है, थर्मल ट्रीटेड, ठीक है, याद रहेगा आपको। क्या देख रहे हैं हम, थर्मल प्रिंटर देख रहे हैं, तो इसमें कोई इंक, कोई कार्टिज, कोई रिबन नहीं है, तो फिर क्या है, थर्मल ट्रीटेड पेपर। ट्रीटेड पेपर मतलब केमिकल की कोटिंग, ठीक। आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। फिर क्या होता है,
इस केमिकल की खासियत वो ये होती है कि इस केमिकल को अगर हम हीट करें, हीट दिया जाए, इस केमिकल को यदि हीट दिया जाए तो उस केमिकल की कलर डार्क ब्लैक हो जाती है। इसलिए ब्लैक ब्लैक कलर का रहता है ना, प्रिंट होकर के आता है, तो कौन से कलर का आपको मिलता है, जो भी रिसिप्ट आप रिसीव करते हो तो वो ब्लैक कलर की होती है। तो वही लिखा हुआ है कि जो ये ट्रीटेड पेपर होता है उसमें केमिकल की कोटिंग होती है, और जैसे ही हीट पास करवाते हैं उस पेपर में तो वो तुरंत ब्लैक कलर, डार्क ब्लैक कलर जो है वो बनकर के बाहर आता है। जब कोई भी चीज़ प्रिंट करने की ज़रूरत पड़ती है तो क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक की मदद से प्रिंटर की हेड पिन को हीटअप गर्म किया जाता है। इलेक्ट्रिक की मदद से क्या किया जाता है, उसको हीट किए तो तुरंत वो डार्क ब्लैक कलर में पेपर प्रिंट होकर के आ जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है हमारा, पोर्टेबल प्रिंटर। तो पोर्टेबल प्रिंटर का मतलब होता है, तो पोर्टेबल जैसा कि हमने पढ़ा था जब हम कंप्यूटर देख रहे थे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ये सब देख रहे थे, तो मैंने आपको बताया था पोर्टेबल का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। अभी तक हमने जो भी प्रिंटर देखा वो पोर्टेबल्स नहीं थे, यानी कि पोर्टेबल आप ये नहीं बोल सकते हो कि अच्छा दुकान से तो घर लेकर के आए हैं, नहीं ऐसा नहीं। पोर्टेबल का मतलब होता है आसानी से जिसको आप कैरी कर सको ना, एक जहाँ भी जा रहे हो उसको साथ में लेके जा सको, उसको बोलते हैं हम पोर्टेबल। ठीक है, तो वो सब प्रिंटर अभी तक रखे रहते थे, घर में हो गए, स्कूल में हो गए, ऑफिस में हो गए, ठीक है, इस तरह से रखे हुए रहते थे। लेकिन पोर्टेबल प्रिंटर क्या होता है, आप ईजिली इसको कैरी कर सकते हो, इसीलिए इसका नाम है पोर्टेबल प्रिंटर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईजिली लेकर के जाना। ठीक है, तो बस उसका मीनिंग भी यही है पोर्टेबल प्रिंटर, इसीलिए इसका नाम पड़ा, इस तरह से दिखता है। साथ में इसमें क्या खासियत होती है कि इसमें किसी भी प्रकार का वायर या वायरलेस दोनों माध्यम से ये चल सकता है, चाहे फंसा दो चाहे मत फंसाओ, डजंट मैटर। तो इसमें क्या होता है, यह प्रिंटर लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल के द्वारा कभी भी, जैसे कि हम ट्रेवल कर रहे हैं तो उस समय भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आपको इमेज से पता चल रहा होगा, यहाँ पे इसीलिए इमेज लगाई गई है जिससे आपको समझ में आए, ये क्या कर रहा है, हमारे मोबाइल में जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको वो प्रिंट कर दे रहा है। बस यही होता है पोर्टेबल प्रिंटर। ठीक, तो ये हमारा टाइप्स ऑफ प्रिंटर, जो मेजर जो टॉपिक्स हैं वो टाइप्स ऑफ प्रिंटर और प्रिंटर एज अ टॉपिक कम्प्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। और यदि आपको हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो आप हमको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस नंबर पर आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन।